न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा आज उदयपुर से गांधी शांति यात्रा लेकर पहुंचे चित्तौड़गढ़। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मांगीलाल धाकड़, करण सिंह सांकला, एहसान खान पठान, केपी सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई है, ताकि देश के लोग देश की चरमराती अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान न देकर CAA कानून में उलझ कर रह जाएं। और वही देखने को भी मिल रहा है, इस समय देश में अराजकता का माहौल है और इस तरफ सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि CAA कानून की देश में कोई जरूरत नहीं थी। इस कानून से पहले भी यह व्यवस्था थी कि नागरिकता प्रदान करना केंद्र सरकार के हाथ में ही था, उसे अब धर्म के आधार पर जोड़ा गया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है और जब मैंने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो मेरा मुख्य रूप से इशारा था देश की अर्थव्यवस्था के जो बिल्कुल खस्ता हाल है उसकी तरफ। कैसे भटकेगा ध्यान, इस तरह भटकेगा कि लोग इसी में उलझ गए। मैं सामान्य रूप से इस समय अगर देश में घूमता तो अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करता, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति भी बाध्य होकर CAA और NRC की चर्चा कर रहा है। अर्थव्यवस्था की चर्चा इन पासिंग हो रही है। आपने सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दे दिया। आप सब जानते हैं कि इस साल पहली तिमाही में जो विकास का दर है वो घटकर 5% आया, दूसरी तिमाही में 4.5% पर आ गया है। सरकार का दावा है कि हम 2024 तक या 2022 तक $5 trillion की इकोनॉमी बनाएंगे। अब देश की जनता कितनी समझती है डॉलर को और ट्रिलियन को, ये तो छोड़ दीजिए बात, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य रख दिया देश के सामने कि 5 trillion की इकॉनमी बनाया गया। जिस गति से अभी हमारा विकास हो रहा है उससे कुछ लोगों का मानना है कि अब 18 से 20 साल लगेंगे $5 trillion की इकॉनमी प्राप्त करने। वर्तमान परिस्थिति देश की जो है वो अशांत हो गई है, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विशेषकर जो राज्य भाजपा शासित हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से हिंसा हो रही है। नागरिकता संशोधन कानून बना है, उसमें क्या खामियां हैं, और मुख्य रूप से 3-4 चीज़ें हम लोग बताते हैं। नंबर एक कि ये गैर संवैधानिक है। नंबर दो, अनावश्यक है, क्योंकि सरकार को पहले से ही अधिकार था जिसको चाहे उसको नागरिकता दे कानून के अनुसार, इसलिए अनावश्यक। और तीसरा कि इसको धर्म के आधार पर तय किया गया है, जो अपने आप में बिल्कुल गलत है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।